सो हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 एग्जैक्ट नहीं हो रहे हैं, 4:08 ऐसा समथिंग हो रहा है, 4:08. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर. सो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं. मेरा डे रूटीन कैसा होने वाला है वो देखते हैं. उससे पहले मेरी क्यूट सी ब्रश देख लीजिए, गाड़ी वाली. जल्दी से करते हैं अपना ब्रश. एंड ये मॉर्निंग एक्टिविटी सबसे पहली होती है मेरी. उठने के बाद आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. देखते हैं किचन में कुछ है या नहीं. दूर से दूर तक कुछ नहीं दिखाई दिया. फिर फाइनली एक दूध का पैकेट दिखा जो मैंने कल दोपहर लिया था. मुझे ये भी नहीं पता है कि ये सही होगा या नहीं, मे बी खराब हो गया हो. अब इसको बॉईल करने के बाद पता चलेगा. तो जल्दी से दूध बॉईल करते हैं. पहले इससे पहले निकाल लेते हैं इसको बर्तन में. फ्राई पैन कल रात का गंदा पड़ा था क्योंकि मैंने चाय बनाई थी, तो उससे पहले धुलना पड़ेगा ये फ्राई पैन. तो पहले इसको साफ कर लेते हैं और फिर डालते हैं इसमें दूध एंड देन बॉईल करते हैं. सॉरी, प्लीज इग्नोर दिस गैस, ये थोड़ा गंदा हो रहा है. सो जिसका डर था वही हुआ, ये दूध फट गया. इसका कोई काम नहीं आने वाला है. मतलब चाय तो नहीं बना सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. सो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी. तो मुझे एक याद है मैंने नमकीन का पैकेट लेके रखा था, आलू भुजिया. तो अभी आलू भुजिया खाएंगे और अपना पहला स्टडी स्लॉट जो मॉर्निंग का होने वाला है वो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले भी मुझे एक काम है. बहुत मैशी हुई पड़ी है सारी टेबल, सो इसको पहले क्लीन करते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर देखते हैं. सो ये पॉली हटाने के लिए भी बोला था कि ये प्लास्टिक जो है वो हटा के देख लेना, कंफर्टेबल फील होगा. सो इसको भी हटाएंगे थोड़ी देर में. बट उससे पहले मुझे 2-3 घंटे का एक मॉर्निंग स्टडी स्लॉट लेना है. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला मॉर्निंग स्टडी स्लॉट. बट उससे पहले थोड़ा सा ये साफ सफाई कर लेते हैं एंड देन हम अब फाइनली स्टार्ट करेंगे. सो एज़ यूजल मेरा पहला स्लॉट होता है पॉलिटी का. सो पॉलिटी में मेरे पास ये वाजिरा मैन रवि का अपडेटेड है क्योंकि इसमें करंट को अपडेट करके नोट्स कंपाइल हुए हैं, तो मैंने ये वाला इसलिए मंगाया है. तो बस ज़्यादा क्या टेंशन लेनी, नमकीन खाते रहेंगे और अपना पढ़ते रहेंगे. सो सबसे पहले पॉलिटी में मुझे पढ़ना है चैप्टर नंबर 10, लक्ष्मीकांत का 5th edition जो है उसका चैप्टर नंबर 10. Pardon me, why don't you come over here? अभी टाइम और अच्छा है और मेरा पॉलिटिक का जो स्लॉट था वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम पता नहीं क्या करेंगे. सो अभी मुझे सुनने में आया था एक टेस्ट, तो टेस्ट देते रहना चाहिए, मॉक टेस्ट अच्छा होता है देना. सो आई एम एनरोलिंग फॉर टेस्ट. ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको भी देनी है ताकि आप सारे लोग इसको आराम से दे सके टेस्ट को. और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है. सो लेट्स सी, पूरा डिटेल देख लेते हैं. मैं जल्दी से एक बार एनरोल कर दूँ. तो चलिए अभी बात करते हैं उस टेस्ट की. इंडिया की टॉप लर्निंग ऐप अनअकैडमी, अनअकैडमी लेकर आया है सिविल सर्विस UCSC टेस्ट. एंड ये टेस्ट होने वाला है 13 नवंबर को 11 बजे संडे के दिन, यानी कल. UPSC प्रीलिम्स पहला चरण होता है हर UPSC एस्पिरेंट का लबासना की तरफ जाने का. बट फाइनल एग्जाम देने से पहले हमें जानना होता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और अभी हमें आगे कितना इम्प्रूव करना है. तो उसके लिए हमें देना होता है मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट जो हम आगे प्रीलिम मेंस या इंटरव्यू में देते हैं. ऑल इंडिया रैंक, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी कितनी रैंक आ रही है, ये सारी चीजें देखेंगे हम टेस्ट देके. सो देर आर 50 questions in 60 minutes एंड ऑल आर MCQs टाइप, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है. तो ऐसा एसच कोई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर नहीं है. बेस्ट रैंक होल्डर को मिलने का मौका मिलेगा IAS ऑफिसर से, जो सबका ड्रीम होता है. रजिस्ट्रेशन फीस इज कम्प्लीटली फ्री. जो दिल्ली में रह रहे हैं वो ऑफलाइन जाके टेस्ट दे सकते हैं. एंड 50% ऑफ पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा गारंटी 25% स्कॉलरशिप विन करने का चांस. एंड यस, जो टॉप रैंक होल्डर्स होंगे वो मैकबुक, आईफोन, मोबाइल्स, अमेजोन वाउचर्स, ये सारी चीजें भी विन कर सकते हैं टेस्ट देने के बाद. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से एनरोल कर लीजिए. कल साथ में टेस्ट देते हैं एंड देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है. सो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8 और मैं और निंसी हम लोग कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट. यहाँ पर है चाय और ये मैंने रात मंगाई थी और रस है हमारे पास और निंसी ने बनाया है सूजी का चीला. सो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट. जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टडी करना है. सो अभी हम पास की शॉप से लेने आए हैं कुछ नोट्स जो मुझे रिक्वायर्ड थे. जैसे ये पॉलिटी का MCQs जो है NCERT बेस्ड वो मुझे लेना था. इसमें 700 क्वेश्चन है. ये एक मैंने डायरी ली है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो
एक ये ले लेते हैं, यहाँ पर भैया जेरोक्स कर रहे हैं, ले लिए और अब वापस चलते हैं घर। सो अभी मुझे करना है, ये दो यूनिट हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं लक्ष्मीकांत की जो बुक से, मुझे ये दोनों टॉपिक ख़त्म करने हैं अभी। सो इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो आप साइड में पेपर देख रहे हो उस पर मैंने पढ़ लिया है इसको पूरा, फिर भी अगर मुझे लगा कि कुछ पढ़ना है तो उसको देख लेंगे। बाकी ये जो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए उसमें अच्छे से मैंने लिखा हुआ था सारा, सो हम इस पेपर से कर लेंगे। एंड यस, मैंने टाइमर लगा दिया क्योंकि रिविज़न करते हो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो इसके नोट्स मैंने कैसे बनाए हुए हैं ये आप देख सकते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लिखी हुई हैं, उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखी हुई है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बायफर्केट हुए थे 2003 में बाय 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 2004 से फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लागू मतलब स्टार्ट हुआ था, अलग से उसको नोटिफाई किया गया। फिर इस तरीके से स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बाद में उसको अमेंडमेंट से 7th अमेंडमेंट आई थिंक ऐड किया गया था। तो इस तरीके से मेरे नोट्स हैं, पॉइंट फॉर्म में मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है लाइक प्री में अगर नहीं भी आता है तो मेंस में हमें लिखना होता है क्योंकि एससी एसटी जैसे एक काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन है, सो वी कैन कॉट इन दीज डिटेल्स इन आर मेन्स आंसर राइटिंग। सो इस तरीके से मेरी ये है, जल्दी से इसको फिनिश करते एक बार। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen. So पॉलिटी की जो स्टडी वो करने के बाद मैंने स्टार्ट किया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मैंने विजन की जो टेस्ट सीरीज मंगाई थी वो अभी एट प्रेजेंट चल रही है मेरी, उसके बाद हम अलग अलग कोचिंग की जो देखेंगे फिर वो हम मंगाएंगे और उसकी पार्सल ओपनिंग एंड जो भी रहता है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। सो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं जीएस स्कोर की मंगाऊँ, उनकी जो इकोनॉमिक्स की है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में। सो अभी जल्दी से सॉल्व करते हैं अपना विजन की ये वाली टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर है 5 विजन का है, तो ये सॉल्व करने के बाद देखते हैं फिर आगे क्या। Last one left when the lights go out, I'm down to one last breath. सो मैं हूँ अभी लंच या डिनर जो भी लेना होता है उस वाली शॉप पे, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह सब मिलते हैं। भैया अभी रोटी सेक रहे हैं और अभी 2 ही रोटी हुई हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई चपातीज। यहाँ पर टेबल पर मेरा जो लंच है वो रेडी है, अभी बच रहा है 3 और मैंने चाय ली है क्योंकि अभी थोड़ा शाम का टाइम भी हो गया तो खाने का भी नहीं हुआ था, तो दोनों साथ में कर लेते हैं। अब जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं। सो हे एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो मुझे लग रहा है 2-2.5 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए मुझे अभी, क्योंकि आज मुझे टेस्ट सॉल्व करने हैं सो उसमें भी 3-4 घंटे जाएंगे तो सोने में लेट हो जाएगा, 12-1 बज जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। I'll be the last one left when the lights go out, I'm down to one last breath.